डॉक्टर जाकिर नाइक का 12 साल बाद पहली बार उर्दू में खिताब। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कराची के दौरे के मौके पर गवर्नर हाउस में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि वो 12 साल के तवील अरसे बाद अवामी सतह पर उर्दू में तकरीर कर रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के दौरे पर आए डॉक्टर जाकिर नाइक के एजाज में गवर्नर हाउस सिंध में एक बावकार नशस्त का एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा मुख्तलिफ मसालिक के उलमा इकराम और दीगर मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की थी। अपने खिताब के आगाज में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेश की माजरत करते हुए कहा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी तमाम तर तालीमात अंग्रेजी में हुई है और उर्दू जबान पर मुझे महारत हासिल नहीं है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि इस दौरान मुझसे कोई गलतियां हो जाएं तो उसे आप नजरअंदाज करेंगे। उन्होंने बताया कि मैंने अवामी सतह पर आखिरी मरतबा उर्दू में तकरीर भारत के शहर किशनगंज में की थी, जहाँ 10 लाख अफराद का इज्तिमा था। स्कॉलर ने मजीद बताया कि 12 साल बाद अब मैं अवामी सतह पर उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए इम्कान है मेरी तकरीर में उर्दू की गलतियां हों, जिसके लिए मैं माजरा चाहता हूं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आऊं। हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पहली बार पाकिस्तान आया हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया मेरे नजदीक सबसे खतरनाक और सबसे अहम हथियार है। मीडिया काले को सफेद और हीरो को विलन बना सकता है। बैनुल अक़वामी मीडिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। सवालों जवाब की नशिस्त के दौरान MQM के रुकने असेंबली महेश कुमार ने इस्लामी स्कॉलर से मजहब की जबरी तब्दीली से मुतालिक सवाल किया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में मजहब की जबरी तब्दीली हराम है। धमकी या हथियार दिखाकर तब्दीली मजहब हराम है। उन्होंने बताया कि कुरान में अल्लाह ताला ने यह वाज़ह किया है कि धमकी या हथियार दिखाकर मजहब तब्दील करवाने की इजाज़त नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि हम किसी के दिल के मामले को नहीं जान सकते, लेकिन कोई भी अपनी मोहब्बत या चाहत को हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा करना अफजल नहीं। बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है, हम किसी के दिल के मामले को नहीं जान सकते, क्या पता वो आगे जाकर आम मुसलमान से एक अच्छा मुसलमान बन जाए। याद रहे कि डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आए हैं। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से खिताब करेंगे और अहम मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इन दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक 10 दिन के दौरे पर कराची में मौजूद हैं। शहर कायद में उनकी 7 से 10 अक्टूबर तक निजी मुलाकातें तय हैं, जिसके बाद वो 11 अक्टूबर की सुबह कराची से लाहौर रवाना हो जाएंगे।